तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रक ड्राइवर ब्लॉग्स के एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चिकन बनाने की रेसिपी बताने वाले हैं, वो भी ट्रक ड्राइवर के तरीके से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा अगर आपको सीखनी है ट्रक ड्राइवर के तरीके से स्वादिष्ट चिकन बनाना और चिकन बिरयानी बनाना। तो दोनों बातें इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ आपको। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सीखना चाहे तो वो भी सीख लीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों ऐसी वीडियो को पाते रहने का सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। और ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में क्या चलती रहती है भी जानने आए तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे दिन का ब्लॉग आपको देखने को मिल जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको मिर्चा लहसुन और अदरक आपको इस तरह से अपने से मेन कर देना है, यानी गिलास में इसको कूट सकते तो कूट दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मशीन, ये अपना कटर मशीन हम लिए हुए हैं तो इसमें आसानी रहता है कुछ भी काटने और छटने के लिए। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा और इसको मेन काट दीजिएगा। और ये तीन टमाटर लिए हैं, चूंकि हमारा टमाटर छोटा था, और ये रहा धनिया पत्ता और ये रहा खड़ा मसाला कुछ इस तरह से। तो अपने हिसाब से टमाटर ले लीजिएगा छोटा सा। और ये रहा हमारा चावल जो बन रहा है, इसमें कुकर में चावल बैठाए हुए हैं और हमको बनाना है आधे किलो चिकन। तो इसमें दो प्याज बड़े बड़े हमने काट लिए हैं, क्योंकि प्याज ज़्यादा रहता है तो मीठा हो जाता है चिकन दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से हमारा आधा किलो चिकन ये रहा और इसको धो चुके हैं हम, तीन पानी से धोए हैं अभी, और इसको बैठाने जा रहे हैं पतीली में और इसको बनाएंगे। और ये रहा अपने हिसाब से तेल डाल दीजिएगा अपने अंदाजे से, क्योंकि इसमें तो नापने की कोई बात नहीं है, आपको अंदाजा होगा। और ये रहा अपना कटिंग मशीन, और देखिए कितना महीन कटा हुआ है मसाला। और इस तरह से इसको क्या करना है, इसमें हम डाले हुए हैं दो लहसुन खड़ा, क्योंकि अपने हिसाब से खाने के लिए रहता है, टेस्टी लगता है। और इसमें जीरा और वो खड़ा मसाला जो गर्म मसाला था ना, वो डाल दिया है इसमें। और कुछ इस तरह से इसको पकने देते हैं। उसके बाद दोस्तों पकने के बाद इसमें कांदा डालते हैं, जो भी कांदा है कांदा को कुछ लाल होने देते हैं। लाल हो जाने के बाद दोस्तों क्या कर, दोस्तों इसमें अपना खड़ा मसाला जो मिर्चा और प्याज, मिर्चा और जो अदरक काटे हुए थे वो डाल देना है। और इसको चलाते रहना है सिंपल से, कुछ इस तरह से चलाते रहना है, क्योंकि ये जलने लगता है जो कांदा रहता है प्याज हमारा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको चिकन डाल देनी है। चिकन डालने के बाद, चिकन जो डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसमें आपको इसको चलाते रहना है जब तक ये सटने ना लगे, यानी जो पतीली है आपके बर्तन में जब तक ना सटे तब तक आपको डालते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करनी है, आपको हमें इसको बराबर चलाते रहना है, क्योंकि चिकन बिरयानी खानी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसी जब तक ये हड्डी ना छोड़ दे, इसको चलाते रहिए। और ये जब पकने लगता है ना तो हड्डी अपने आप छोड़ देता है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको मसाले डाल देनी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए और कुछ इस तरह से आपको चलाते रहना है, इसको चलाते आपको रेसिपी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको मसाले डाल देना है, ठीक है। मसाला मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या है, जीरा मरीच है बुका हुआ, और एवरेस्ट का जो मसाला चिकन मसाला मटन मसाला वो है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप, इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इसको पकाते रहना है, चलाते रहना है। चलाने के बाद जब सटने लगे दोस्तों, उसके बाद टमाटर डाल लेनी है। टमाटर को भी साथ डालने के बाद तब भी ना छोड़िए जब तक पकड़ने लगे मतलब आपके बर्तन में, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी पानी डाल के इसको छोड़ देना है सीजने के लिए, ठीक है, पकने के लिए। अब हम आपको चावल को दिखाते हैं। ये हमारा चावल है जो बन के रेडी है, मतलब पहले ही बना चुके थे हम अपना चावल। तो ये रहा चावल, और इसमें अब क्या करेंगे, हम वो पक जाएगा तब उसको डाल देंगे अपने हिसाब से, अपने तरीके से ये बिरयानी हमारा बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा चावल दिखता है। और ये जो चावल है दोस्तों हमारे को 40 रुपये किलो मिला था। और ये रहा धनिया पत्ता जो इसमें हम डालने वाले हैं। और उसके साथ दोस्तों की क्या करना है, ये देखिए पक चुका है, यानी यह जो हड्डी छोड़ चुका है ना, तो हम समझिए ये सीझ चुका है। थोड़ी सी पानी आपको डाल देनी है, ज़्यादा नहीं पानी डालनी है, क्योंकि ये पक जाए। पकने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस चावल को इसमें आपको डाल देनी है। डालने के बाद दोस्तों ये पक जाएगा तब डालनी है इसको इसमें पतीली में आपके। और पतीली में डालने के बाद पूरी तो अच्छी तरह से इसको चला देनी है। तो कुछ इस तरह से हमारा चिकन बनके अभी तक रेडी हो गया। और इसको डालने के बाद अपने चावल को कुछ अपना चिकन बिरयानी दिखने लगता है। उसके बाद आपको धनिया पत्ता डाल देनी है और इसको चला देना अच्छी तरह से। चला देने के बाद आपको चूल्हा बंद कर देना है, और बंद करने के बाद इसको लाइक कर देना है वीडियो को। और चूल्हा बंद करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसको ढक देना है, क्योंकि ये खुशबूदार दिखे, खुशबू इसमें दिखने लगे आपको, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। और कुछ इस तरह से आपको कोई भी बर्तन हो इसको ढक देना है। ढकने के बाद दोस्तों कुछ देर बाद, 5 मिनट से 10 मिनट बाद कुछ इस तरह से आपका बिरयानी दिखने लगेगा। और दिखने के बाद दोस्तों बहुत ही खुशबूदार, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है तो खुशबूदार भी लगेगा। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है चिकन। तो ये वीडियो आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी, वीडियो डिसीजन लाइक कीजिए। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं विस्तार से आपको 10 से 12 मिनट की वीडियो से आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।